सो हे वीवियंस, बहुत टाइम बाद यार अब हम मिले हैं वीडियो में. माफ़ी चाहूँगा यार, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं बहुत ज़्यादा बिजी था अपने काम में. काम कुछ नहीं, टीचिंग को लेके. सो गाइस, चलिए बहुत टाइम बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं और आज बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, जी हाँ, जेनेटिक्स की चैप्टर 5 की जो हम वीडियो चला रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. आज हम पढ़ेंगे सिकल सेल के बारे में. सो इस वीडियो को आखिर तक देखना सो दैट आपको सिकल सेल को लेकर डाउट क्लियर हो पाए. सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ही ना करते, शुरू करते हैं. हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी. सो गाइज, आज बात करने हैं सिकल सेल के बारे में. ठीक, तो वैसे मैंने आपको शायद पहले एक बात बताई थी सेक्स लिंक और ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में, ठीक है ना. उम्मीद करता हूं आपको पता होगा वो. तो चलिए आज बात करते हैं किसकी. आज बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया. अब ये कौन सी बीमारी है, वैसे बता दूं कि ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी जो किसी जीन की वजह से हो रही थी, किसी जीन में डिफेक्ट आने की वजह से हो रही थी. ऐसी बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर. देखिए, अगर बीमारी का कारण कोई जीन होती है तो मेंडेलियन होता है, अगर बीमारी का कारण कोई पूरा क्रोमोजोम होता है तो वो कुमारा क्या होता है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर. सो इट वुड बी मेंडेलियन डिसऑर्डर. देन हम बात करेंगे, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. अब इसका मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हम इसको लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे. तो आप बताना मुझे कि इसका मतलब क्या होता है. आगे चलो, आपको नहीं पता, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आपके पास फर्स्ट टू 20, आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. शुरू के 22 के पेयर आपके कहलाते हैं ऑटोसोम और जो आखिरी का पेयर है वो कहलाता है आपका सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, मेल में तो पेयर नहीं बनता लेकिन फीमेल में पेयर बन जाता है. तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 46 क्रोमोसोम है जिसमें से आपके 23 पेयर बनते हैं. तो शुरू के 22 क्रोमोसोम को हम बोलते हैं क्या, 22 पेयर को बोलते हैं ऑटोसोम, आखिरी वाले को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. अगर किसी के बीमारी की जीन उन 1 से लेकर 22 पेयर के बीच में पाई जा रही है, वो जीन, अगर कोई बीमारी की जीन फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बीच में कहीं पाई जा रही है तो बीमारी ऑटोसोमल हो जाएगी. और अगर उसकी जीन मिलेगी आपको कहीं सबसे एंड वाले पेयर पे जो कि सेक्स क्रोमोसोम का है तो क्या हो जाएगा, सेक्स लिंक्ड हो जाएगी. कितना आसान है, जीन मिलेगी सेक्स क्रोमोसोम पे तो सेक्स लिंक, जीन मिलेगी ऑटोसोम पे तो ऑटोसोमल. तो ये क्या हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया. देन आइए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज. अच्छा, इसमें होता क्या है. देखिए भैया, मेन चीज ये बीमारी भी क्या है, ये बीमारी भी ब्लड की बीमारी है. किसकी है, ये बीमारी भी ब्लड की प्रॉब्लम है. जैसे आपने पढ़ा था हीमोफीलिया, वो क्या था, ब्लड का. ये भी क्या है, सेम ब्लड का. ये भी सेम किस चीज की बीमारी है, ब्लड की बीमारी है. इसमें होता क्या है, आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें चैन होती है अल्फा और बीटा. अल्फा की भी दो चैन होती है और बीटा की भी दो चैन होती हैं. तो अगर देखा जाए तो कायदे में हमारे एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीमोग्लोबिन की चैन आती हैं, 2 अल्फा की आती हैं और 2 बीटा की आती हैं. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको, मैं आपको जरा बीटा चैन के बारे में थोड़ा सा फोकस पे लाना चाहूँगा क्योंकि इस बीमारी के अंदर एक्चुअल का इशू बीटा चैन में आता, ना कि अल्फा वगैरह में, ठीक है ना. तो मैं बात करता हूँ बीटा वाले की. अभी आप समझ चुके हैं, मैं आपको चलो लिख देता हूँ कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 चैन. ठीक है, कितनी, 2 अल्फा की और 2 बीटा की. ये तो आसान रहेगा. अच्छा चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो बीमारी है इसमें होता क्या है. जिनको ये बीमारी होती है उनके अंदर क्या होता है, जैसे आपके पास अभी हीमोग्लोबिन की चैन है, उनके पास वैसी नहीं होती. मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलो मान लो ये मैं हूँ विनय बायोलॉजी. ठीक है, मेरा सरनेम बायोलॉजी. अब तो मान लो मेरे पास जो बीटा हीमोग्लोबिन की चैन है, आप जानते हो एक हीमोग्लोबिन जो है कुछ और नहीं, ये आपके अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं. माने हीमोग्लोबिन कुछ और नहीं, आपके चैन ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं. इसका मतलब कितने होते हैं अमाइनो एसिड, आप जानते हो मोर देन 100 इनमें अमाइनो एसिड पाए जाते हैं. तो हम 100 नहीं लिखेंगे, हम शुरू के 7 अमाइनो एसिड को लिखने वाले हैं जो कि बीटा हीमोग्लोबिन का है. क्या तक क्लियर है, मैं लिखाता हूं आपको कौन कौन से. पहला आ गया वेल हेस ल्यू थ्रो प्रो ग्लू ग्लू. यहां पर ये क्या है, दीज आर दी 7 अमाइनो एसिड. तो मैंने ये 7 दिखाए, इसका मतलब ये जो मैंने चैन दिखाई है ये चैन कौन सी है,
ये चेन है बीटा हीमोग्लोबिन की। किसकी है? बीटा हीमोग्लोबिन की। दोबारा समझते हैं, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ब्लड की बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले बता दूं, हम आम तौर पे हम इंसानों में क्या होता है कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे चार हीमोग्लोबिन की चेन आती है, दो अल्फा और दो बीटा के। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, बीटा वाली चेन में दिक्कत आती है। तो बीटा वाली चेन में दिक्कत आती है तो उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसा होता है। तो नॉर्मल बीटा हीमोग्लोबिन में क्या होता है, पहले नंबर पर लगा होता है वैलिन, सेकेंड पे हिस्टिडिन, थर्ड पे ल्यूसिन, फिर फोर्थ पे प्रोलिन, थ्रोलिन, देन फिफ्थ पे प्रोलिन, देन सिक्स पे ग्लूटामिक एसिड, सेवन पे ग्लूटामिक एसिड, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन अपने काम का क्या है, शुरू के सेवन, तो मैं सिर्फ उन्हीं को दिखा रहा हूँ। देखिए ये नॉर्मल पर्सन का, माने ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, अभी मैंने कोई डिफेक्टिव वाले की बात नहीं करी है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक पूरा डीएनए होगा, सो मैं आप कर दूँ, ये तो अभी आपके अपने लिए ही लिया होगा ना। तो हमारे पास एक पूरा डीएनए होगा जो इस बात को कंट्रोल करेगा कि हीमोग्लोबिन में कब कहां पर किसको लगाना है। हाँ, है ना, हमारे पास डीएनए होगा जो इस बात को कंट्रोल करेगा कि हमारे डीएनए के कौन से पार्ट पे, हमारे हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट पे कौन सा लगाना है अमीनो एसिड। मान लो ये वाला डीएनए का पार्ट होगा, ये बोलेगा, ये बनाएगा एक आरएनए और उस आरएनए को बोलेगा कि आप पहले नंबर पे किसे लगाओगे, वैलिन पे लगाओगे। ऐसे ही दूसरा आरएनए का पार्ट भी होगा और दूसरा आरएनए का पार्ट क्या बोलेगा कि आप सेकंड नंबर पे किसे लगाओगे, हिस्टिडिन को लगाओगे। इसका मतलब ये वाला डीएनए अलग हुआ, ये वाला डीएनए अलग हुआ, ऐसे हर एक सेगमेंट होगा। ऐसे सिक्स वाले का भी अपना एक सेगमेंट होता है जो ये कंट्रोल करता है कि सिक्स नंबर पे हमें ग्लूटामिक एसिड को लगाना है, और साथ में एक और सीक्वेंस होगा जिसका भी काम होता है कि वो सेवन वाले पे लगाएगा। माने हर एक को लगाने के लिए एक पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट होता है, ठीक है। अपने को फोकस थोड़ा सा इस जगह पे मारने का है जो सिक्स वाले का है, मैं बताता हूँ क्यों। ये जो डीएनए होता है, मैं आपको इस डीएनए को बिल्कुल सिंपल दिखाता हूँ, अनकॉइल करके बिल्कुल सिंपल तरीके से हम देखेंगे। इसके पास सीक्वेंस मिलता है जी ए जी सी टी सी। तो ये जो डीएनए का सीक्वेंस है जो सिक्स नंबर पे कंट्रोल करेगा कि किसे लगाना है, इसके पास सीक्वेंस क्या है, जी ए जी एन सी टी सी। ये जो डीएनए है, ये जो आरएनए बनाता है, उस आरएनए के पास सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है जी ए जी। ये बनने वाले आरएनए का सीक्वेंस है। अब ये जी ए जी क्या बोलता है, जी जी कहता है कि जी हम सिक्स नंबर पे किसे लगाएंगे, सिक्स नंबर पे ग्लूटामिक एसिड को लगाएंगे। किसे लगाएंगे, ग्लूटामिक एसिड को लगाने वाले हैं। तो चलिए अच्छी बात है। तो ये एक नॉर्मल पर्सन का मेरा हीमोग्लोबिन मान लीजिए आप, ये बीटा ग्लोबिन मेरा वाला है। अब मान लो कि किसी को सिकल सेल की बीमारी हो गई। अब सिकल सेल की बीमारी बताता हूं क्या होता है कि जो ये ए है यहां पर, ये ए की जगह पे ऐसे बंदों में टी आ जाता है। क्या जाता है, टी। माने अगर मुझे सिकल सेल हुआ ना, तो पता है क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ओके होगा, बस यहाँ पे एक जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब मान के चलिए जब ऐसा होगा तो सिनेरियो कैसा होगा वो देखते हैं, ठीक। तो मैं काम करूं, मैं काम करता हूं, मैं इसको ना रब कर देता हूं सो दैट मैं आपको नया वाला केस दिखा सकूं। या चलो एक काम करता हूं, मैं आपको इसी के साथ ही दिखाता हूं मैं, ठीक। अब जो सिकल सेल होगा उसके केस का देखिए कैसा होता है हीमोग्लोबिन, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेम दिखाएंगे डीएनए, भाई डीएनए तो होता ही नहीं है, डीएनए तो सबको सेम ही रहता है। तो ये मान लीजिए दिखा दिया हमने डीएनए, ठीक। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं वही सीक्वेंस लिखता हूँ, अच्छा एक बार ध्यान देना, यहाँ पे सीक्वेंस आ गया जी टी जी, पहले क्या था जी ए जी, तो मैं लिखता हूँ जी और जी तो लिखता हूँ ऐसे, बट क्योंकि टी चेंज हुआ है ना, तो मैं टी को दिखाऊंगा अलग कलर से ताकि आपको मालूम पड़े कि चेंज हुआ भाई, कुछ सेम नहीं है। और सामने फिर सी टी सी तो आएगा नहीं, सामने क्या आता है, पेयरिंग का अगर देखा जाए तो सामने आता है सी ए सी। अब मुझे बताइए एक पॉइंट पे यहाँ चेंज हो गया, जब पूरे डीएनए में सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज आता है तो इसे आप क्या बोलते हो, पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हो, पॉइंट म्यूटेशन आप इसे कहते हो जब एक पूरे डीएनए के सीक्वेंस में सिर्फ एक जगह चेंज आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया पॉइंट म्यूटेशन, और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो जो ये वाला सेगमेंट होता है ना, जो जो ये सिक्स वाला सेगमेंट, देखो बाकी सारे नॉर्मल काम कर रहे हैं,
इससे पहले के जितने सेगमेंट है, इससे पहले के बाद जो है ये नॉर्मल ही रहते हैं दोनों केस में, जिसको सिकल सेल होता है उनके केस में भी, जिन पे नहीं तो दोनों में फर्क पता क्या होता है, ये जो सिक्स्थ सेगमेंट है सिर्फ इसमें फर्क आता है नॉर्मल और एक सिकल सेल वाले बंदे में। तो सिक्स वाले का चेंज हो गया डीएनए, तो आरएनए भी होगा चेंज। अब आरएनए जी ए जी नहीं आएगा, आरएनए जी यू जी आएगा। अब मुझे बताइए कि जैसे आपने एक मूवी देखी है खलनायक, देख चलो आप छोड़ो, आपने मूवी आपने नॉर्मल देखा होगा कि भाई मान लो कहीं का कोई एमएलए है और उसके कोई उसका कोई खास बंदा है, ठीक, उसका बहुत खास, उसका सेक्रेटरी है, जो भी मान लो खास बंदा है। अब मान लो जैसे वहां का एमएलए चेंज होगा तो उसका खास बंदा भी चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है सेम तो रहने वाला, सेम ऐसे ही तो है। ये हो गया डीएनए एमएलए, ये हो गया इसका वो खास बंदा। अगर डीएनए चेंज हुआ तो इसका खास बंदा भी तो चेंज होगा, माने डीएनए चेंज हुआ तो आरएनए भी क्या होगा, चेंज होगा। अब जो ये नया आरएनए है, ये नया आरएनए ग्लूटामिक एसिड के लिए काम तो नहीं करता, ये करता ना पुराने वाला आरएनए, नए वाला तो नहीं करता ना। तो पता है क्या होगा, अब नए वाला क्या करेगा, नए वाले बोलेगा चलो भाई बाकी सारे हिस्से ठीक से काम कर रहे, माने वेल हिस ल्यू थ्रो प्रो, थोड़ा सा मैं गैप दिखाता हूँ, ऐसे बातें बनेगी, वेल हिस ल्यू थ्रो प्रो। अब देखो एक दो तीन चार पांच, पांच तो नॉर्मल है, पांच में कोई चेंज नहीं है क्योंकि पांच का सारे पार्ट ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन सिक्स पे क्योंकि चेंज हो गया आरएनए, तो अब के बाद सिक्स पे ये ग्लूटामिक को ना लगाकर किसे लगा देगा, लगा देगा वैलिन को लगा देगा। और सेवंथ का सेगमेंट भी नॉर्मल काम कर रहा है तो सेवंथ पे तो सेवंथ पे भी क्या लगेगा, ग्लूटामिक ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ध्यान से देखो ना तो सिर्फ सिक्स वाले में चेंज आया है, सिक्स वाले पे क्या लगा है वैलिन, जबकि लगना क्या चाहिए था ग्लूटामिक एसिड। ऐसा क्यों हुआ, वैलिन क्यों लगा, क्योंकि वहां का आरएनए चेंज हो गया। आरएनए क्यों चेंज हुआ, क्योंकि डीएनए चेंज हो गया। डीएनए क्यों चेंज हुआ, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन हो गया। अभी पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, मान लो 100 लोगों की लाइन लगी हुई है, आपने उसमें से किसी एक बंदे को चेंज कर दिया, बाकी सारे वही हैं, इस पूरी लाइन में सिर्फ एक बंदा चेंज हुआ, बाकी सारे वही हैं पहले वाले। सेम ऐसा ही होता है, डीएनए का सीक्वेंस है, आपने डीएनए के सीक्वेंस में किसी एक एक बेस को आपने चेंज कर डाला, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे ये म्यूटेशन हुई है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल और सिकल सेल के केस में क्या होता है, सिर्फ छठे नंबर पे आता चेंज, सिर्फ छठे नंबर पे, और कहीं कोई चेंज नहीं आता। अब जरा आप इस चीज को ध्यान से समझिए, इससे क्या हुआ, या सिक्स नंबर पे वैलिन लग गया तो क्या हुआ, इससे पहले इसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल था ना। एक चीज से क्या होता है पता, जैसे हीमोग्लोबिन का सिक्स नंबर का, ध्यान से सुनना, जैसे ही बीटा हीमोग्लोबिन का सिक्स नंबर का अमाइनो एसिड चेंज होता है ना, तुरंत के तुरंत हीमोग्लोबिन के अंदर एक खिंचाव, एक तनाव, एक टेंशन आना शुरू होता है। वो टेंशन इतना ज़्यादा होता है कि वो इस पूरे हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उस हीमोग्लोबिन के टेंशन को रिड्यूस करने के लिए आरबीसी आता है, पूछता है हीमोग्लोबिन से, हाँ बेटा क्या हुआ। अब वो कहता है कि पापा जी हमें बड़ी ना बहुत ज़्यादा ना हमारी बॉडी में टेंशन आ रही है। तो आरबीसी कहता है कि यार मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को दिक्कत हो रही है। तो भैया अपने बच्चों को दिक्कत देख के कौन अपना बाप अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करना चाहेगा। तो आरबीसी को तरस आता है, आरबीसी कहता है कोई बात नहीं, तेरी टेंशन खत्म करने के लिए, तेरे अंदर जो खिंचाव पैदा हो रहा है उसको खत्म करने के लिए मैं अपनी शेप चेंज कर लूंगा। माने आरबीसी हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट टेंशन को रिड्यूस करने के लिए आरबीसी अपने शेप को चेंज कर देती है। आरबीसी की शेप होती है एल्पेनलीबे, माने बाइकनकेव शेप, आपको पता होगा ना एल्पेनलीबे जैसे होता है। तो आरबीसी अपनी शेप को सिकल शेप में कर लेती है, इसलिए ताकि हीमोग्लोबिन के टेंशन को रिड्यूस करी जा सके। सिकल शेप क्या होती है, एक ऐसी शेप जिसके दोनों एंड नुकीले हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सिकल शेप बोलते हैं, जिसके दोनों एंड नुकीले होते हों। तो यहां पर आरबीसी क्या करता है, आरबीसी अपना बलिदान दे देता है ताकि हीमोग्लोबिन को दिक्कत ना हो। तो हीमोग्लोबिन की टेंशन को रिड्यूस करने के लिए आरबीसी अपनी शेप चेंज कर ली, कैसे कर ली, बाइकनकेव से क्या बोलेंगे, बाइकनकेव से क्या कर ली, सिकल शेप कर ली। जैसे ही सिकल शेप करी, तो ध्यान रखना बाइकनकेव की जो जिंदगी होती है 120 दिन होती है आरबीसी की, लेकिन जैसे ही सिकल शेप होती है यहाँ पे आरबीसी की लाइफ स्पेन रिड्यूस जाती है और समय से पहले आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसे आपको बैकग्राउंड मिलते रहेंगे, नमूने ऐसे बहुत सारे गधे हैं जो खाम का बुलेट के पटाखे फोड़ते जा रहे हैं। हाँ जी, तो सिकल शेप एनीमिया जो बताता हूँ उसमें क्या होता है कि आरबीसी ने अपनी, कहा था ना गधे हैं सारे,
अच्छा बाइकनकेव शेप जो है, बाइकनकेव शेप किस में होगी चेंज? सिकल शेप में होगी, और ऐसा इसलिए हुआ ताकि हीमोग्लोबिन की टेंशन को दूर करा जा सके। और जैसे ही आरबीसी की शेप चेंज होती है तो भैया ये समझ लेना आरबीसी की लाइफ अपने आप ही कम हो जाती है, इससे एनीमिया जन्म लेता है। एनीमिया मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के डिस्ट्रक्ट होने को अपन क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। तो सिकल सेल एनीमिया, इसमें एनीमिया भी होता है, बंदे का ब्लड का जो है ना आरबीसी लगातार खत्म होती रहती है। अच्छा तो चलो समझ में आ गया, ये अपने को पता है कि बीमारी क्या है, उम्मीद करता हूँ पता लग गया होगा। चलो मैं आपको फिर भी रिव्यू देता हूँ बारी। ये बीमारी के अंदर कुछ नहीं होता, आपके बीटा हीमोग्लोबिन चैन के अंदर छठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड न लग के वैलिन लग जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए का सिक्वेंस हो गया चेंज, ठीक। और इसकी वजह से आरबीसी को शेप चेंज करना पड़ जाता है, जिससे आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और आरबीसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है, जिससे एनीमिया का जन्म हो जाया करता है। सवाल है, ठीक है बीमारी आपने बता दिया क्या है, सवाल है बीमारी है क्यों और इसके अंदर क्या क्या केसेस बन सकते हैं जीनोटाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी बात जरा बात करते हैं। तो यहां पर मैं बताऊं आपको जेनेटिक, वैसे बताऊं आपको पता है नेचर ना ऐसी बीमारी को खत्म कर देता है जिन बीमारियों से हमारी पॉपुलेशन का लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो सवाल यह है कि इस बीमारी से पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन फिर भी बीमारी हमारे नेचर ने बचाए रखी, इसको ख़त्म नहीं होने दिया। आंसर पूछा गया क्यों, इस बीमारी में ऐसा क्या है नेचर ने इसको कभी धरती से ख़त्म होने नहीं दिया। आपको बता दूं मैं, अगर आपके यहाँ कहीं किसी को मलेरिया होता है तो आप तो खैर इतने टेंशन लेते भी नहीं, कहते तो चलो कोई बात नॉर्मल मलेरिया ठीक हो जाएगा, मतलब ऐसा रिस्पॉन्स ठीक हो जाएगा, दैट्स इट, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ अफ्रीका में हो तो आपको पता है वहाँ लोग, अगर किसी को ये हो जाए बीमारी मलेरिया हो जाए तो वहाँ लोग उससे मिलने चले जाते हैं। और आप जानते हो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है जब बीमार हो तो थोड़ा सा वो अलग चीज़ होती है, कि कहते ना कि वह चल मिल के आते हैं, तो मिल के आना मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बंदा अपने आखिरी समय पे, तो इसीलिए वो मिलने का मतलब कुछ अलग ही होता है हमारे इंडिया में। खैर वो कुछ केसेस में तो समय नहीं होता। तो कहने मेरा मतलब यह है कि अफ्रीका के अंदर मलेरिया बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मलेरिया के भी टाइप होते हैं। जो सबसे खतरनाक मलेरिया जो है, जो मात्र बंदे को 15 से 20 दिन के अंदर भगवान के पास भेज सकता है, उस मलेरिया का नाम होता है मैलिग्नेंट मलेरिया। क्या होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया। ये धरती का सबसे खतरनाक मलेरिया है जो अफ्रीका में होता है, इंडिया में तो होता भी नहीं है ये। तो ये किससे होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इस स्पीशीज से होता है दुनिया का सबसे खतरनाक मलेरिया, जो इंसान को महज कुछ ही दिनों में यमराज के पास भेज सकता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अब ये इंडिया में तो है नहीं, इंडिया में तो मलेरिया हुआ तो बंदा ठीक हो जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अफ्रीका में किसी को हुआ तो हमें पता है एक सेल्फी उसके साथ लेकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए डालने के लिए पता ही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये कि इतना खतरनाक मलेरिया अफ्रीका में है, तो वहाँ के लोगों की ना जाने जा रही थी इस मलेरिया से, तो नेचर को किसी तरीके से बचाना था। तो सुनो कैसे बचाया, याद रखना जिस बंदे को सिकल सेल होता है कभी उस बंदे को मलेरिया नहीं हो सकता, याद रखेंगे, जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है उसको कभी मलेरिया नहीं हो सकता है। कारण इसका सिर्फ इतना है कि जिनको सिकल सेल है उनकी आरबीसी हो गई शेप चेंज होगी, सिकल शेप में आ गई, और मलेरिया को सर्वाइव करने के लिए आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आरबीसी ने शेप अपनी चेंज कर ली तो ऑक्सीजन तो अपने अल्टीमेटली कम हो गया आरबीसी के अंदर, जब ऑक्सीजन कम हो गया तो उस कम ऑक्सीजन के एनवायरमेंट में कभी भी प्लाज्मोडियम सर्वाइव कर ही नहीं पाता, मर जाता है। एक तो बात तो क्लियर है कि जिसको सिकल सेल हुआ उसे कभी जिंदगी में मलेरिया नहीं होने का है। तो भाई नेचर को बचाना था अफ्रीका के लोगों को, तो नेचर ने कहा कि भाई वहाँ पर बीमारी कौन सी फैल रही है, मलेरिया बहुत ज़्यादा, और मलेरिया भी कॉमन नहीं है। तो नेचर ने उनको बचाने के लिए क्या बोला, नेचर ने वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी सिकल सेल के जीन इंट्रोड्यूस कर दी, और जब सिकल सेल के जीन इंट्रोड्यूस करी तो वहाँ के लोगों को मलेरिया होना बंद हो गया। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है तो मात्र 10 साल के भीतर भीतर उसकी जान चली जाती है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब दिक्कत तो ये आ गई कि वहाँ पर नॉर्मल, अगर बात करूँ अफ्रीका के अंदर नॉर्मल लोग जो होंगे हमारी तरह वो मर जाएंगे मलेरिया से, ठीक, और जिनको सिकल सेल होगा
जो मलेरिया से बच जाएंगे वो किससे मर जाएंगे? वो मर जाएंगे सिकल सेल से। तो करे तो करे क्या यार, अगर हम मलेरिया से बचाने के लिए वहाँ के लोगों को सिकल सेल की जीन दे रहे तो वो जीन से मर जा रहे हैं, और नहीं दे रहे तो मलेरिया से मर जा रहे हैं। तो नेचर ने एक नया तरीका निकाला बचाने का। नेचर ने कहा कि काम करते हैं, अफ्रीका के अंदर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल डेवलप हुए। कैसे हुए मैं आपको बताता हूँ। पहले तीन केस आपको मेंशन करता हूँ जीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से लोग वहाँ पाए जा सकते थे। देखो HBS माने सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन, ठीक है, N वाला नॉर्मल हीमोग्लोबिन। कई बुक में HBA लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप HBN लिखो, HBA जो आपकी मर्जी हो, HBN, HBS और फिर HBS, HBS। ये तीन केस हैं जीनोटाइप पॉइंट ऑफ व्यू से। माने कोई पर्सन या तो नॉर्मल हो सकता है जिसमें उसके कोई सिकल सेल की जीन नहीं है, या कोई पर्सन होगा जिसके पास एक तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जीन, एक सिकल सेल की जीन होगी, और एक पर्सन जिसके पास दोनों सिकल सेल की जीन होगी। अफ्रीका के अंदर ये लोग मर जाएंगे मलेरिया से क्योंकि इनके पास कोई सिकल सेल की जीन नहीं है। ये जो लोग हैं ये मर जाएंगे सिकल सेल से क्योंकि इनके पास बीमारी की जीन है रिसेसिव फॉर्म में। आपको पता है रिसेसिव बीमारी अगर होमोजेगस फॉर्म में आ जाए तो कितना विकराल रूप धर लेती है, माने मार्के मानती है। लेकिन ये वाले जो लोग हैं इनके पास सिकल सेल की जीन भी नॉर्मल भी है, माने ये ऐसे लोग हैं जो अफ्रीका में नॉर्मल रहेंगे क्योंकि आप जानते हो बीमारी रिसेसिव है। रिसेसिव बीमारी कभी होमोजेगस कंडीशन के अलावा दिखती नहीं है, माने हेट्रोजाइगस में कभी वो बीमार नहीं कर सकती। इसका मतलब यहाँ पे सिकल सेल जीन इसे बीमार नहीं कर सकती, इसका मतलब ये बंदा रहेगा नॉर्मल लेकिन स्टिल सिकल सेल की जीन कैरी कर रहा है ना। बताऊँ क्या होगा, अगर कभी फ्यूचर में मलेरिया का पेशेंट बॉडी में आता भी है ना तो इसकी बॉडी सिकल सेल प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। पता है सिकल सेल जैसी बॉडी, क्योंकि सिकल सेल की जीन इसके पास है, जैसे सिकल सेल की प्रोडक्शन जैसी बढ़ेगी ना तो पता है क्या होगा, वो जो पैरासाइट है सारे मर जाएंगे। ये सारे पैरासाइट मर जाएंगे तो सिकल सेल को भी बॉडी से हटाया जाएगा और नई RBC बनाई जाएगी जो कि नॉर्मल होगी। इसका मतलब बॉडी में मलेरिया का पैरासाइट आया तो ये सिकल सेल की तरह बिहेव करेंगे, और जब नहीं आएगा तो नॉर्मल बिहेव करेंगे। इसका मतलब यही वो लोग हैं जो अफ्रीका में सर्वाइव कर सकते हैं, ये दोनों लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आप खुद सोचो ना, अफ्रीका के लोगों को अगर सिकल सेल की जीन नहीं लाई जाती क्या वो बच पाते? सारे के सारे मारे जाते कैसे? मलेरिया से। और वो नॉर्मल नहीं है मलेरिया, वो बहुत खतरनाक मलेरिया है जो अगर इंडिया में आ जाए तो कोरोना से ज़्यादा अच्छी खासी लंका लगा सकता है। बट खैर कोरोना के भी जलवे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे ये था आपका सिकल सेल, मतलब कुछ दिक्कत तो इसमें होनी भी नहीं चाहिए, है तो बहुत ईजी। तो आपको मैं हल्का से एक ब्रीफ रिव्यू देता हूँ। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, माने इस बीमारी को होने के लिए दो जीन चाहिए, एक जीन से बीमार बंदा कभी नहीं होता है। बीमारी इसकी ऑटोसोम पर पाई जाती है। देन इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बीटा हीमोग्लोबिन चैन में 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड न लग के वैलिन लग जाता है, जो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आती है। देन यहाँ पे सेकंड चीज़ तुम्हारे लिए क्या होगी कि इसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन होता है जो मेन कारण होता है इस बीमारी के होने का। एंड देन इसके बारे में बात ये होती है कि ये बीमारी जो है नेचर ने इसको बनाए रखा क्योंकि इससे लोग बच रहे थे। किसके? अफ्रीका के। हम नहीं, अफ्रीका के। क्यों? अफ्रीका के अंदर कौन क्या क्या दिक्कत है? अफ्रीका के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक मलेरिया होता है, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। और वहाँ पे तीन तरह के लोग पाए जा सकते हैं, होमोजाइगस नॉर्मल, होमोजाइगस सिकल सेल एंड हेट्रोजाइगस। अब जो नॉर्मल होंगे मरेंगे वो मलेरिया से, और जो हेट्रोजाइगस होंगे वो तो खैर बिल्कुल ठीक क्योंकि नॉर्मल भी है और सिकल सेल भी है, और जो होमोजाइगस आपके सिकल सेल वो सिकल सेल से निपट जाएंगे। तो घूम फिर के नेचर ने वहाँ पे किसे सेलेक्ट कर लिया? इन हेट्रो वालों को सेलेक्ट कर लिया, हम तुम्हें वहाँ पे जिंदा रखेंगे, माने इन्हें हम कैरियर बोला करते हैं। तो ये था आपका सिकल सेल का केस, ठीक है। बाकी इनको इनके जो क्रॉस वगैरह है वो मैं आपको कराऊंगा इकट्ठे पेडिग्री चार्ट के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क हैं, सावधान रहें, देखते रहें बायोलॉजी। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ ध्यान रखो अपना, क्योंकि ये वाला कोरोना का स्ट्रेन बहुत डेंजरस है।